ने पकड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन नशा तस्कर। सोलन पुलिस को नशा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक और अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को पकड़ा है। गौरतलब है कि सोलन में चिट्टा तस्करी में पकड़े गए हमीरपुर निवासी युवक के खुलासे के बाद पुलिस ने दिल्ली के उत्तर नगर से नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। SSP सोलन शिव कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि 35 वर्षीय आरोपी नाइजीरियन का नाम नैना एवरिस्टस है। उन्होंने बताया है कि 2 मई को सोलन में हमीरपुर के एक युवक अमित उर्फ इशू को 11 किलो 35 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। पुलिस ने बताया कि आरोपित नाइजीरियन को 8 मई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उसने पूछताछ में कई खुलासे किए जिसकी पड़ताल के लिए पुलिस टीम द्वारा उसे दिल्ली लेकर गई है। SSP ने बताया कि 5 मामले उन्होंने 31 मामले चिट्टे के दर्ज किए हैं। इनमें 42 लोगों को अब तक हवालात वो पहुँचा चुके हैं। अभी 2 तारीख को लगभग 10 बजे जब हमारी रात को एक टीम गश्त पे थी तो देवघाट के पास एक सूचना मिली थी हमें कि एक अमित उर्फ इशू है जो हमीरपुर का रहने वाला है, यहाँ देवघाट में रहता है और हेरोइन यहाँ पे बेचता है। तो इस पे जब इस टीम ने उसके कमरे पे रेड की थी तो वहाँ से हमें 11.45 ग्राम हेरोइन और उसके अलावा कुछ अनयूज्ड सिरिंजेस और कुछ और मटेरियल मिला था। इसमें NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और इसको गिरफ्तार किया गया था। और इससे जब इंटरोगेशन की गई तो इसने डिस्क्लोज किया कि ये जो हेरोइन है ये दिल्ली से किसी फॉरनर से लाया है। इसी कड़ी में आगे पुलिस ने जांच करते हुए एक टीम दिल्ली भेजी और वहां से एक व्यक्ति जो अपने आप को नाइजीरियन मूल का बताता है और अपना नाम उसने नैना एवरिस्टस बताया है, 35 साल इसकी एज है, इसको उत्तम नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही। सोलन से प्रदीप भाटिया की रिपोर्ट।